बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे तालिब इल्मों जो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची से इम्तहान दे रहे हैं, मैं डॉक्टर सईदुद्दीन चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड आपसे मुखातिब हूँ। मैनी गुड विशेज फॉर टुमारो पेपर। कल आपका इम्तहान है, इंटर का इम्तहान शुरू रहा और कल पहला पेपर फिजिक्स का पेपर है। हमारे टोटल जो सेंटर हैं कल के वो 210 सेंटर हैं और मॉर्निंग में हमारे पास 114 सेंटर हैं और 96 सेंटर इवनिंग में हैं और टोटल नंबर जो बच्चे अपियर हो रहे हैं वो 1,12,383 बच्चे हैं। तमाम सेंटर्स पे मास्क प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तमाम सेंटर पे सैनिटाइज़र प्रोवाइड कर दिए गए हैं, थर्मल गन भी प्रोवाइड कर दी गई हैं और कोशिश की जाएगी कि कोई बच्चा जो है वो मास्क के बगैर वहाँ ना आए। आप देखिए, कोरोना की वजह से एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पानी नॉर्मली तौर पे पिलाया जाता था, मगर अब हम मना करेंगे कि ये सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है, इसके ज़रिए कोरोना फैलने का अंदेशा है और आपकी सेहत हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से, बच्चियों से, कि वो अपने साथ पानी की बॉटल अपने साथ लेकर आएँ और किसी दूसरे का पानी इस्तेमाल न करें ताकि कोरोना की वबा को रोका जा सके। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तमाम चीज़ें तो बंद हो गई हैं लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम आपका ऑन है, क्योंकि ज़ाहिर है इसके बाद फिर आपको प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना है। और कोशिश कीजिए कि इम्तहान में 9:30 बजे आपका पेपर है तो आप आधा घंटा तो पहले ज़रूर पहुँच जाइए ताकि आपको अपने सेंटर में आपके एडमिट कार्ड के ऊपर पहले ही सेंटर लिखे जा चुके हैं ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। और हमारा अमला, बोर्ड का अमला भी मौजूद होगा, कॉलेजेस में आपके प्रोफेसर साहिबान भी मौजूद होंगे और आप बहुत सुकून के साथ पेपर अटेम्प्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी सहूलत का भरपूर ख्याल रखा है और तमाम पेपर जो कंडेंस सिलेबस है उसी के अंदर से इंशाल्लाह आएंगे, जिसमें इसमें भी आपको ये पैनिक की ज़रूरत नहीं है कि जो कंडेंस सिलेबस है वो जो नोटिफाइड सिलेबस है उसी में से आएंगे। और आप अच्छी तरह अपनी तैयारी कीजिए और किसी भी अफवाहों पे यकीन ना कीजिए। ये है कि इंटर के इम्तहान इंशाल्लाह अपने वक्त पे हो रहे हैं कल से और फर्स्ट ईयर के इम्तहान भी अपने वक्त पे होंगे। जितने बच्चे जो इम्प्रूवर बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर यह है कि इम्प्रूवर के जो हैं उनके सारे पेपर लिए जाएंगे, क्योंकि बाज़ बच्चे उर्दू और इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं तो उनको तो ज़ाहिर है उर्दू और इंग्लिश में इम्तहान देना है। और ये जो इम्प्रूवर वाले इम्तहान हैं और फर्स्ट ईयर के इम्तहान हैं ये 7 तारीख से शुरू होंगे और इम्प्रूवर बच्चे अब और जो 12 पेपर दे रहे हैं बच्चे जो लास्ट चांस वाले बच्चे कहलाते हैं वो जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सारे उनके इम्तहान होंगे, वो 7 तारीख से होंगे इंशाल्लाह। अभी ये फ्रेश बच्चों के इंटर के इम्तहान हो रहे हैं और मॉर्निंग जो है वो साइंस और प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वगैरह है और इवनिंग के अंदर हमारे पास जो है वो कॉमर्स ग्रुप है। तो आप अच्छी तरह तैयारी जो आपने की है, मैं समझता हूँ कि आप सब बच्चे, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ ये टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल पुरसकून रहिए, ये ज़िंदगी का बहुत अहम इम्तहान है, इस पर पैनिक होने की, परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं है। और अपने मास्क ज़रूर रखिए और कोशिश कीजिए कि मास्क ना उतारें और कोरोना का वबा, ये एक पेंडेमिक जो है ये पूरी आलमी वबा है और हमें सबको सेफ्टी के साथ इसका मुकाबला करना है। हम जितनी एहतियात करेंगे उतना ही कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो मेजर्स ले सकती है उसने लिए, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें हर मुमकिन सहूलत प्रोवाइड की। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, यूनिवर्सिटी बोर्ड डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हम उनके मशकूर हैं। और लेकिन आपका फ़र्ज़ ये है कि आप जो है वो मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए, वहाँ भी मौजूद होंगे और हर लिहाज से एहतियात कीजिए कि जब तक इम्तहान हो रहा है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मेरी नेक तमन्नाएं एज ए चेयरमैन आपके साथ हैं और इंशाल्लाह इसके बाद दूसरा मरहला शुरू होगा फर्स्ट ईयर का, फिर कॉपी असेसमेंट का भी मरहला शुरू होगा, वो बोर्ड का इंटरनल मसला है। लेकिन आप बेफिक्र रहें कि जो इंटर बोर्ड जो बेहतर आपके लिए कर सकता है वो कर रहा है। नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपको फिर खुदा हाफिज़ कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।